friends, welcome back to my channel Sydney Entertainment. My name is Sapna and I hope you all are doing well. So guys, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है. आज का वीडियो है PL spoof CSK versus RCB. तो गाइस, वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैंने इस वीडियो को देखा था, कमाल का फनीएस्ट वीडियो. तो वीडियो देख के आप सच में हंस के पागल हो जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस. तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट से मेरे साथ देखिए इस वीडियो को. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. हेलो, सट्टा इस बोल सट्टा है. अच्छा, चेन्नई को बॉलिंग करवाने अच्छा? वाले. ओके ओके. तो कांग्रेचुलेशंस मिस्टर धोनी, यू वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉलिंग फर्स्ट. कांग्रेचुलेशंस. धोनी पहले बॉलिंग करने का फैसला लेने के लिए. अरे चलिए अपनी बैटिंग लेकर आइए विराट, और तुम बॉलिंग उतारिये. सलमान खान भाईजान आईपीएल में देखिए सिक्का पलट दिया उसने. करनी आ जाओ. तो आरंभ करते हैं इस महामुकाबले चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के बीच जो मैच है, इसमें चेन्नई पे मेरा सट्टा लगाऊं. ये बिल्कुल सट्टा प्रूफ होता है आईपीएल, बिल्कुल शुद्ध. इसमें कोई सट्टा नहीं चलता. शेख साहब का भी चेन्नई पे सट्टा है. बहन के लोड़े ऊपर को ले जाए, सच्चाई निकली जा रही है मुझसे. राइडू क्या कर रहा है? पीछे पीछे पीछे. आइए शेख साहब, अपने बड़े भाई की टीम से मिलिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. सैम करन करन, ओ नरम होती तुम. मिस्टर धोनी धोनी कठोर होती, ये पसंद नहीं आती हमको. वाटसन, ओ हो 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 हो, पलटती थोड़ा. ओ फो, इसको भेज देती होटल में हमारे. अरे हबीबी, ये मैच खेलेंगे हमारे साथ? नहीं खेलती. नहीं हबीबी, ये क्रिकेट टीम है, मैच खेलेंगे ये. ओ गलत टीम ले लेती मतलब हम. एक मिनट चेक तो कर लेती. हाँ कर लो, भाई साहब की टीम है अपनी. ओके वाटसन, पलटो थोड़ा सा पलटो. अरे अरे शेख साहब, अरे ये क्या कर रहे हो शेख साहब? और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैदान में एंट्री हो चुकी है हमारे दोनों एम्पायर की. और ये लेफ्ट वाले हमारे देसी एम्पायर, जिन्होंने पहले भी एम्पायरिंग कर चुके हैं, इनका डीआरएस सिस्टम कुछ अलग तरीके का होता है. और वहीं हमारे सुनील उड़िप्पा जी, नए एम्पायर. और यहाँ पर सैम करन को पहला ओवर मिला है. चेन्नई की तरफ से काफी खतरनाक गेंदबाज हैं. और सैम करन पहला ओवर, और उनकी ये पहली गेंद बहुत शानदार चमक. ये कौन लोग हैं? दिल में बंद हुई तो यहाँ गया एम्पोटेशन फैलाने. Who the hell are you guys? Hell? तेरी बहन का हेल मारूं. देखो यहाँ कहीं खिलाड़ी हो गई आलिया और रणबीर को. बहन चुप क्या लगा रखा है ये? मैं चल रहा मजाक कर रहा हूँ. कौन हो तुम लोग? सिद्धार्थ मल्होत्रा. पकड़ो इसे. अरे भाई बहुत लंबा और मोटा हो गया क्रिस गेल का. बंद करो ये सीजन आईपीएल का. बस शुरू तो होन दो. अबे क्यों परेशान कर दिया लंडे को? अबे तो इसकी पूजा करना है साले करण जौहर की. करण जौहर ना है ये, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज सैम करन है. सैम करन चूतिए. तो क्या करना फिर? आलिया का ट्रेलर आया यूट्यूब पे. आलिया भाई बट. और ये रैप्ट के बाद सैम करन की फिर से पहली गेंद, और ये फिंच का शॉट, और शानदार. तो यहां पर बैंच हो दिया. क्या है ये तो एम्पायर कैच पकड़ लिया. महेंद्र सिंह
मैकुलम। अरे शास्त्री जी, इस नाम का भी खिलाड़ी हो गया क्रिकेट में कोई? हाँ बेटा, गिल्ली डंडे में होता। चल मुझे विश्वास नहीं है, मुझे थर्ड एम्पायर पहले बड़ा कबड्डी में पूरे गिल्ली का खुद ही एम्पायर बन गया। इतना इतना बड़ा चेक मिलेगा हमें इस कैच के लिए? क्यों? और 2.5 लाख रुपए जो मिलेंगे इस कैच के लिए, और सट्टे के अलग से आउट है, आउट है, आउट है। और यहाँ पर विराट कोहली ने एंट्री दे दी है ग्राउंड में, काफी खतरनाक बल्लेबाज है। और ये पटिकलाल को सैम करन की अगली बॉल, और ये बहुत ही शानदार बॉल, व्हाट क्या बॉल मारा है चेन्नई ने, मजा आ गया। क्रिस गेल का पहले पे बॉल, क्रिस गेल तो पंजाब में, वो नहीं आ सकता। और हम यहाँ सट्टा लगाती, ये वो पुरानी लिस्ट है। ओ, तो अब आ सकती है नहीं आ सकती? यहाँ नहीं, ऐसे नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकती? क्यों अलविन सलमान अरबाज दिल खराब? बताओ, तुम तो गांड के ही नशे में रहती। माशाल्लाह, हम ही कुछ करती। या क्रिस गेल तुल मल हल्ला वहसड़ी के तलाय पे फ्रिज पे चलाती अभी का। On the plates of Kings 11 Punjab, not Bangalore. Priti Jinta varna hamari gaand mein chimta kar degi. Hum jo teri gaand maarti uska kya hoti? Ball kara de. Habibi, jitni lambi gail hoti usse lambi iski gail hoti. Khelti gail bhai sahab. Abe Dhoni bhai, abe ye gail kahan se aa gaya? अबे तो पंजाब की टीम में है, निकालो उसे, गुस्सा करो कुछ। डोंट वरी, आई एम मिस्टर कूल। कूल चल गया ना, गाल का बना देगा फूल। नो प्रॉब्लम। और ये गैल को पहली बॉल, और ये बहुत ही शानदार शॉट गैल का, काफी खतरनाक बल्लेबाज है। और ये छह, एक और छह, काफी खतरनाक बल्लेबाज है गैल। जब चलते हैं तो बॉलरों की गांड फटके जाती है फैल। और ये क्या एक्शन को इधर लगाती, डर तो लगा हुआ है प्लेयर, इसको हटाती, वाटसन को खड़ा करती, और इधर का रिप्ले हम बार बार मांगती बड़ी। अरे अरे अरे, विराट जीरो। और यहाँ पर गैल का एक और शॉट, और ये क्या, गैल ने ले लिया है पहली बार रन। ये क्या, वाह यार, बैच्चा था ओवर की लास्ट बॉल पर रन ले लेता। विराट कोहली काफी नाराज, पता ना कब खेलने मिलेगा। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। वल हबीब कितना मारती छक्का छक्का, हमको अब गेल आउट जाती। तो विनोद जी, मुझे आईपीएल की एक बात सबसे अच्छी लगती है कि आईपीएल में कोई चीटिंग नहीं होती, कोई बेईमानी नहीं होती, आप सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे। और जी हाँ, बिल्कुल ईमानदारी का नजारा। और ये देखिए खिलाड़ी के हाथ में गेंद, और ये बिल्कुल सटीक रो। हो सकता था 20 गेंदों में सबसे तेज शतक पर निराशा हाथ लगी, ये देखिए आंखों से ही मार चोट देंगे इनकी, काफी निराश गेंद। और ये विराट कोहली को अगली गेंद, और बहुत ही शानदार शॉट, विराट कोहली अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वाओ सिक्स, और हेलमेट उतार दिया है विराट कोहली ने, शायद कुछ लेंगे, मुंह में लेंगे, सॉरी एनर्जी ड्रिंक मांग रहे हैं विराट कोहली। बड़े विराट को बुलाओ, फिर देखो कैसे चौके छक्के मारता है, जाओ। और ये विराट कोहली पी रहे हैं एनर्जी ड्रिंक काफी, ये क्या, चेहरे पे कुछ अजीब से हाव भाव है पीते हुए, ये क्या। और यहाँ पर हेलमेट पहन लिया है विराट कोहली ने, जो कि है फॉर्म में। बॉलर तैयार बॉलिंग, और ये फिर विराट कोहली गिर गया, ये क्या। ऐसी एनर्जी ड्रिंक ऑस्ट्रेलिया के गांड। अब देखना ये होगा कि आरसीबी किसको भेजती है ग्राउंड पे। Oh, oh my god, De Villiers on the ground for the first time in IPL history with South Sea entry. Satta dugna kar dijiye. Oh, De Villiers, jo ki kaafi form mein hai. 360 khelte hain De Villiers, har taraf ko shot maarte hain. Aur ye kya 380 ka bhi maar diya. Are ye kya kar rahe ho Shastri ji? Pani do. पानी
खुद ने शराब पी ली उसे पानी क्या मतलब मुझे जो चक्कर आए थे शराब के थे शास्त्री जी बैन करवाओगे क्या आईपीएल में शराब पिलवा रहे हो कुछ नहीं हो रहा पी ले कांगे गड़बड़ हो गई क्या होती वाटसन गायब है पता नहीं कौन ले गया और ये डिविलियर फिर से एक शानदार शो और ये क्या डिविलियर्स ऐसे हैं जैसे ओयो के होटल में लेटे हूँ इनको आउट करना चाहिए वरना हम सब टार कितनी अंदर बॉल फेंकी वाह अंपायर आउट है साफ आउट है एकदम और यहाँ पर डिविलियर्स ने लिया डीआरएस देसी एम्पायर का इशारा थर्ड एम्पायर की ओर अब देखना ये होगा कि बॉल लगती है बिल्कुल साफ विनोद जी आप देख सकते हैं बाहरी किनारा की एकदम साफ आवाज दिख रही है स्नीको पे What? This is not me. This is Pakistan. What the fuck? Ban ka bol raha hai the Pakistan ka match hai. Bull shit. This is Pakistani match. Bull shit. You want review chahiye? What? Replay. Yes, I want DRS. Chal aage. Peeche. अरे ये क्या कर रहे हो बल्ले की आवाज निकालो मुंह से ठीक है सर निकालता हूँ पीछे रिप्ले दिखा रहा है अरे भोसड़ी वाली ये क्या करती तुम सुअर जैसी आवाज निकालती बल्ले की आवाज होती कैसी होती टुनक होती टुनक निकालो ठीक है सर निकालता हूँ सर रुकिए एक मिनट पीछे आगे टुनक और यहाँ पर माई फेवरेट प्लेयर एजी डिविलियर्स काफी नाराज पलंड से हमें तो सट्टा जीतना था अच्छा हुआ कि आउट हो गए तो चेन्नई की तरफ से आए हैं केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी ओपनिंग करने अब देखने वाली बात ये होगी कि आरसीबी के बॉलर्स कैसे इन दोनों महान खिलाड़ियों को रोकते हैं और ये मैं क्या देखता हुआ ये टेस्ट ये क्या दोनों मुझे द्रविड़ नजर आ रहे हैं ये क्या ये बॉल कुछ इस तरीके से खा रहे हैं जैसे दिवाली पर सोन पपड़िया खाई जाती है पता नहीं विनोद जी कैप किस बात का बल्ला जा रहा है कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में कुछ है क्या ये क्या मैच का पूरा रुख बदल दिया इन दोनों ने जज्बात बदल दिए एकदम से बेंचोद एम्पायर ये किस बात का कैप पहन रहे बार बार व्हाइट कैप कौन सा कैप होता ऑरेंज सुना पर्पल सुना ये कौन सा कैप है जो हमें नहीं मिला पहनोगे हाँ पहनूंगा क्या करना पड़ेगा आईपीएल की गाड़ माननी पड़ेगी गेंदे खानी पड़ेंगी टेस्ट मैच बनाना पड़ेगा आईपीएल को पूरा चाय का खराब कर रखा इन दोनों ने मिलके पूरे आईपीएल का पहनेगा तू ना फिर दोनों बढ़िया खेल रहे हैं तो आपस में बहुत बढ़िया धोनी पहनेगा व्हाइट कैप अनुष्का गाड़ फाड़ देगी रात को तेरी चहल कैसा कराऊं अगला ओवर बॉल मैं किस बात की नो बॉल है भैया पैर की नो बॉल है पैर आ गया था बिल्कुल मेरा पैर अंदर था रूल्स आर रूल्स गांड में घुसूंगा सारे रूल यही फेरूंगा साले अंपायर कौन है अंपायर क्या यार खुद अंपायर बॉलर की एक और शानदार बॉल और उतनी घटिया बैटिंग धोनी निराश करते हुए धोनी मियां ये कौन है बात ऐसी है इसे टेस्ट मैच मत बनाओ आईपीएल को आईपीएल ही रहने दो हम तुमसे बता रहे हैं अगर तुमने दोनों में से एक आधक बढ़ती गेंद और खाई तो कसम सैन वॉटसन की यहीं स्टेडियम में गांड में चक्कू मार के आत्महत्या कर लूँगा बाउंड्री भी होती है डायरेक्ट गेंद मारोगे वहाँ पे तो छक्का माना जाएगा मारो कुछ हेलीकॉप्टर ओके ठीक है समझो थोड़ा और ये क्या धोनी के मुंह पे गुस्सा ओ माय गॉड पहला छक्का इस इनिंग का धोनी फॉर्म में वापस आते हुए दर्शकों में बड़ी मिठाइयां देखा फरहत भाई हमारी धमकी का सब छक्के चौके मार रहे हैं धोनी भाई अब और मुझे इस धोनी पे बहुत गुस्सा आ गया बताओ इंडिया की टीम छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की में खेल लिया आजकल के खिलाड़ियों कोई भरोसा ही नहीं रहा
अब तुम देखना केदार जाधव भी छक्का ही मारेगा, लिख के रख लो ये बात। और ये मैं क्या देखता हुआ धोनी को देखा, देख केदार जाधव भी आई फॉर्म में, लगता है कुछ कर तेरी क्या। उम्मीद नहीं थी मुझे केदार जाधव से विनोद जी, बिल्कुल नहीं। ये क्या खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ये सवाल बनते हैं इन पे। बीसीसीआई को जवाब देने चाहिए। अरे कौन है बे? इंडियन पुलिस दुबई में। गाड़ी में डालो इसे। दरोगा साहब इसे कहाँ ले जा रहे हो? माना कि इसने टेस्ट बनाया मगर आप चौके छक्के मारेगा। ये केस टेस्ट का नहीं है, ये है मर्डर का। जिंदा लौंडा मारे पड़ा यार उधर। चलो भाई लेके चलो, इसका गांड टूटेगी अभी। तो केदार यादव की गिरफ्तारी के बाद अगले बैट्समैन है सैम करन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। लो बेटे विराट, रोनाल्डो से बढ़िया गोल मारो। ले लो सैम करन का लेफ्ट को शानदार शॉट और ये का विराट कोहली के साथ सर मुंह टूटा। अबे ऐसे छोड़ोगे रोनाल्डो को फुटबॉल में पीछे, हमारी बेइज्जती और करा दो कि रवि शास्त्री जी के चेले हैं। सैम करन का एक और लेफ्ट को शॉट और ये क्या, सैम करन मुझे लेग लपेटू लग रहे हैं। वही दूसरी ओर धोनी की रनिंग बिटवीन द विकेट। अरे अरे और ये बैट्समैन का और ये क्या, सैम करन थकते हुए। धोनी आई नो यू आर फास्ट बट प्लीज स्लो। सैम करन को अगली बॉल और ये क्या, धोनी पहले ही पहुंच गए बॉल से पहले। धोनी की स्ट्राइक चेंजिंग टेक्निक बहुत ही तेज है, वो बिटवीन द विकेट रनिंग बहुत। और ये क्या धोनी साथ साथ सैम करन चो, सैम करन लैग लपेट और ये क्या, धोनी फिर से पहले पहुंचे। लगता है यहाँ क्लियर यहाँ पे सैम करन की गलती नहीं है, उनकी गाड़ी थोड़ी कम सीसी में थी। अगली बार पल्सर से ट्राई करना चाहिए उनको। और अब चेन्नई की तरफ से आए हैं अवंती राइड। बीड़ी हो रही है बहुत लंबी, इसलिए हमें शॉट जल्दी लगवाने पड़ेंगे। और ये देखिए बेहतरीन शॉट और बेहतरीन शॉट और ये रन ले लिया। अब रन चाहिए एक बॉल में 5 रन, चेन्नई को 5 रन की दरकार। और विराट कोहली कुछ समझा रहे हैं खिलाड़ी को क्योंकि 5 रन का सवाल है। और ये धोनी की रिच पर और ये बॉलर की बॉल और बेहतरीन शॉट और ये बॉल कहाँ गई हमें नहीं पता, कहाँ है चेन्नई की चाहिए बॉल कहाँ है। बहुत बढ़िया 4 रन ले लेंगे भाग जाओ। मुझे भी इनकी बातों में कुछ कुछ सच्चाई लग रही है। दूसरी ओर धोनी लगता है सिंगल से ही शतक बना देंगे। और ये क्या विराट हो रही बॉल, मैच टाई। बैंचत एक ओवर है अपने पास, एक ओवर, और इस एक ओवर में जितने हो सके उतने रन बचानी है। तो ये सुपर ओवर में क्रिस मॉरिस को दे रहा हूँ। ना विराट भाई मुझे दो। उमेश तेरी लाइन और लेंथ दोनों खराब है तू समझा कर। अरे टेंशन मत लो, मैडी बता रहा एक भी रन चलाया तो मेरी गर्दन कटवा दियो। अरे ना मॉरिस को दे दे। तो सुपर ओवर के लिए खुद आए महेंद्र सिंह धोनी, जो कर दे अनहोनी। उमेश यादव की पहली बॉल और पहली बॉल पे ये क्या, पहली बॉल पे उठा के मारा अच्छे दर्शक बने पीछे। एक और छह, क्या छह और सटोर ये बेहिसाब खुश। ये छह फिर से छह, ये क्या हो रहा है, ये सुपर ओवर है सुपर ओवर। विनोद जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फिर छह छह छह, ये क्या हो? ये ओवर समाप्त, एक ओवर में 36 रन। विराट कोहली बेहद खुश। मैं भोसड़ी क्या पागल है क्या, ये सुपर ओवर था या सुपर ओवर, ये तो कह रहा एक भी रन ना दूंगा। एक रन का दिया सब छुट्टी तो भाई। मैं 36 मारूंगा तब भी ना जीतेंगे, पता कौन जीतेगा, मुझे भेज दो अपनी पे। चल बंदूक निकाल, बेची ले सलमान खान, बॉडी से जिंदा पकड़ना है भोसड़ी वाले को। ओए बाउंड्री पे ले, बाउंड्री पे ये मत समझना मिस्टर कूलू, अगर कैच छोड़ा ना गरम करके गांड मार दूंगा। सुपर ओवर के लिए खुद आए विराट कोहली। देखना ये होगा कि एक ओवर में 37 रन कैसे बनते हैं। सैम करन की बॉल और विराट कोहली का बेहतरीन शानदार छह, दूसरा छह, तीसरा छह, छह देखते ही बनता है सटियारों के मुंह उतरते हुए। और पांचवा छह, लगातार 5-6 मार चुके हैं विराट कोहली। अबे यार क्या कर रहा तू इधर, धोनी चेतान छोड़ते हुए। अब सैम करन को मुझे लगता है कुछ समझाना होगा धोनी।
इतना मांगती है। अरे शेख साहब बिल्कुल टेंशन मत लो, आखिर मुझे क्यों खरीदा आपने खिलाड़ी छोड़ के 10 करोड़ का? बॉल एक और रन चाहिए साहब, अगर विराट कोहली ने इस बॉल पर 6 मारा तो हमें यहाँ पर एक और सुपर ओवर देखने मिलेगा जो कि कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि उमेश की बॉलिंग आएगी और सैम करन बॉल लेके निकले। ये विराट कोहली की निगाह बॉल की तरफ सीधी, ओ माय, ये बाउंड्री के बाहर जाएगी, ये देखने लायक होगा कि नहीं। समकी नजर उसी पे। इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, 2 बोल्ड मारे हैं और 4 रन आउट किए हैं। हियर कम द बिग मैन सुनील हुडिप्पा। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का मुकाबला बहुत रोमांच से भरा हुआ था, पिच में नमी थी, मुझे कैच पकड़ने में दिक्कत हुई और आज मुझे बैटिंग का भी मौका नहीं मिला, वरना मैं शतक मारता बेंगलोर के खिलाफ और हम थोड़ी जल्दी सट्टा मैच जीत सकते थे, पर थोड़ी देर लगी, फिर भी थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉमेडी वाला ये वीडियो था और साथ ही साथ कॉमेडी के साथ साथ गालियों का भरमार भी था इस पूरी वीडियो में, बट लॉन एंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा था इस वीडियो में, मतलब इस आईपीएल वाला जो ये वीडियो दिखाया, और उसमें रवि शास्त्री का जो रोल मुझे सबसे मस्त लगा, मतलब उनका जो रोल जिसने प्ले किया है ना, उस बंदे ने बहुत ही सही प्ले किया है। वैसे तो जितने भी इसमें लोग थे, जितने भी इन्होंने जो भी रोल प्ले किया बहुत ही कमाल का लग रहा। जो विराट कोहली का रोल प्ले किया था वो भी, और जो धोनी का रोल प्ले किया था वो भी, और साथ साथ जो सट्टा लगाया था मैच पे वो, मतलब बोल सकते सारे लोगों ने जितने भी इस वीडियो में थे कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे बहुत ही कमाल का था। और इसमें मुझे वो सीन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फ्रेंड्स जो वो मतलब बोलते ना वो रिप्ले वाला सीन दिखाया वो भी बहुत ही अच्छा था। और रवि शास्त्री का तो हर एक एक जिस तरह से वो इसमें कैरेक्टर प्ले करा था वो बंदा, मतलब बहुत ही सही लग रहा था। मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे कि कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, हर चीज़ जिस तरह से बोल रहे थे ना, सुपर। और उस आईपीएल वाला वीडियो में वो जो सुपर ओवर जो दिखाया गया लास्ट का जो मैच वाला सीन, वो भी बहुत ज़्यादा रोमांचक था और बहुत लॉन एंटरटेनमेंट वाला था लास्ट सीन तो। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें जो एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ, वो एनर्जी ड्रिंक सच में रहता नहीं, उसके साथ उन्होंने कचौड़ी मिलाकर पिलाते हैं, तो वो भी सीन कुछ मतलब बहुत ही कमाल का लगा, हर एक एक सीन सुपर वीडियो था गाइस। मैं तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और मैंने पहली बार राउंड टू हेल के वीडियोस पे रिएक्शन दिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे भी इनके वीडियोस पे रिएक्शन देती रहूँगी। वैसे इसमें जो वो बैंगलोर वाली टीम का, उसमें बहुत ज़्यादा नाइंसाफी दिखाई गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब फुल चीटिंग से भरपूर था ये वाला वीडियो, साथ साथ गालियों से ही भरपूर था वीडियो, बहुत ज़्यादा रोमांचक था। सो गाइस दिस इज माय रिएक्शन इन दिस वीडियो, कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, एंड इफ यू न्यू इन माय चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को याद से हिट करना, और हाँ प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो गाइस मैं फिर से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कसम बेस्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।